नमस्कार, मैं बहन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैं बहन वाजपेयी भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम 5 अक्टूबर 2021 तीनों शिफ्ट में जो आपका एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ को लेके आ गए हैं आप लोगों के बीच में। ये सीरीज़ उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी जिनका आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है, जिनका 5 के बाद आगे किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर देख के जाइए। और हम आपके लिए और बेहतर काम कर रहे हैं, तो आपको और बेहतर जो है कल वाले जो पेपर होंगे उसमें और ज़्यादा हम इंग्लिश और रीजनिंग को भी ऐड करेंगे, मैथ्स को भी ऐड करेंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 5 अक्टूबर 2021 तीनों शिफ्ट का जो कंक्लूजन है वो आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। तीनों शिफ्ट के मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके जीएस के क्वेश्चन आज मैं आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि एक राइट कंटेंट ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है, दीवाने खास इन स्मारकों में से किस में स्थित है? तो किस में स्थित है? आपका लाल किले में आपका दीवाने खास स्थित है। अगला है क्वेश्चन आपका, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएँ कौन सी होती हैं? तो वो कौन सी होती हैं? आपकी श्वेत रक्त कणिकाएँ, यानी कि WBC। ठीक है, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है, जिसका नाम है रेटिनॉल। ठीक है, अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो खिलने वाला फूल है वो रेफ्लेसिया है। ठीक है, रेफ्लेसिया आर्नोल्डी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? सेल्डन और स्वान। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला, सीमेंट के जमने की दर को घटाता है क्या? जिप्सम। अगर जिप्सम ज़्यादा होगा तो सीमेंट उतना ही बेकार होता है। अगला, अल्किन्स पहले के रूप में जाने जाते थे। अल्किन्स जो थे वो पहले किस रूप में जाने जाते थे? वो ओलिफिन्स के रूप में जाने जाते थे। सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला, कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी है? कमांड लैंग्वेज। कौन सी है? कमांड लैंग्वेज है। अगला, मुंडा जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? तो मुंडा जो है वो झारखंड का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, बस 2015 में एक देश में ब्याज की नाम मात्र की दर 8% थी और उस समय मुद्रा स्फीति की दर 2.5% थी। तो 2015 में ब्याज की असली दर क्या थी? तो ब्याज की जो असली दर थी वो कितनी थी? 5.5%। इसमें से इसे घटा देंगे। ठीक है, अगला, समष्टि अर्थशास्त्र जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित है? आय का वृत्ताकार जो प्रवाह है उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, वो जीव प्रकाश का उपयोग का भोजन तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज में मत जाइए, कहने का मतलब ये है कि जो जीव प्रकाश का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सोपोसी कहते हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसका कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाता है? तो मुद्रा का नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला है, पणजी किस भारत की राज्य की राजधानी है? तो गोवा की राजधानी। अगला है, लखनऊ की राजधानी क्या है? तो ये सभी को पता है, उत्तर प्रदेश है। अगला, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय का पुनरुत्थान किया था, किसका किया था? थल सेना का किया था। ठीक है, अगला है, औरंगजेब का पुत्र कौन था, यानी कि औरंगजेब के पुत्र का नाम क्या था? शाहजहां था। अगला है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो ये भी बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन है एसएससी का, टिम बर्नर ली ने किया था। अगला है, श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो दबाव में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है, ये गलत है। ठीक है, बाकी सभी सही हैं। गैसों की श्यानता दबों से कम होती है, तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की श्यानता बढ़ती है, तापमान में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है। अगला, किसी शरीर के भार यानी कि W को इस सूत्र द्वारा बताया जाता है। W बराबर क्या होता है? MG होता है, सभी को पता है। अगला, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जयपुर है। अगला, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? GV मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे। प्रथम भारतीय सुपर लीग फुटबॉल के विजेता कौन है? एटलेटिको डी कोलकाता। ठीक है, अगला है आपका,
वॉकिंग विद लायंस पुस्तक को किसने लिखा था? के नटवर सिंह ने लिखा था। अगला, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में आपका स्थित है। अगला, धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है, कौन सी धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है? तो वो है गैलियम। अगला है, असंयम के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? असंयम के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीब्यूटिनिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो वो है राइबोसोम्स। अगला है आपका, निम्नलिखित में से पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है? वायरस, यानी कि पोलियो किसके कारण होती है बीमारी। अगला है, यानी कि आप बीमारियां जो हैं वो ज़रूर देख के जाइए। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जितने भी आपके जो रासायनिक सूत्र हैं उनको भी देख के जाइए, तो NH3 होता है आपका अमोनिया का। अगला है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? तो ऑक्सीजन का सबसे कम है। अगला, शक्कर का बाजार संतुलन में है, शक्कर का जो बाजार है वो संतुलन में है, यदि शक्कर की आपूर्ति बढ़ती है तो शक्कर की संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा क्या होगी? संतुलन कीमत जो है वो घटेगी और संतुलन मात्रा जो है वो बढ़ेगी। अगला है, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? तो वो है आपकी कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CCIF3, ठीक है। अगला है आपका, पेंटालेडाइट एक अयस्क खनिज है किसका? निकिल का। अगला है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन था आपका। अगला, इटली की राजधानी कौन सी है? रोम है। अगला है, नाथुला दर्रा कहाँ है? तो आपको पता है कहाँ है आपका, इंडिया में है, ठीक है। अगला, इन देशों में से किसे यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली? तो यूनाइटेड स्टेट्स। इन देशों में से किसे यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली? तो वो कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट्स है। सन 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया था। अगला, इंस्टेंट नूडल्स का आविष्कार किस देश का नागरिक था? इंस्टेंट नूडल्स का आविष्कारक किस देश का नागरिक था? तो वो जापान का था। अगला, भौतिक मात्रा धारिता यानी कि कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है? फैरेड होती है। अगला है, संसद प्रत्येक वर्ष सत्र का आयोजन करती है, यानी कि प्रत्येक वर्ष में कितने सत्र का आयोजन करती है? तो 3 सत्र लगाती है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन है? तो वो कौन है? महेश भूपति हैं। अगला, द डॉटर ऑफ ईस्ट के लेखक कौन है? बेनजीर भुट्टो हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। अगला, हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो फेसबुक ने विकसित किया था। अगला, हान वास्टल सेक्स प्रणाली के अनुसार भारतीय हान वास्टल सेक्स प्रणाली के अनुसार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र घुंघरू के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑडियोफोन्स में क्या होता है, इसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या होती है? 30 वर्ष होती है। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे 5 अक्टूबर 2021 MTS का जो एग्ज़ाम है उसकी तीनों शिफ्ट के। तो उम्मीद है कि पूरी जो सीरीज़ है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कल से आपका मैं सारे सेक्शन आपको कवर कराने का पूरा प्रयास करूँगा। तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम लगा हुआ है तो इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देख के जाइए। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।